सो गाइस, अब हम बेसिक फॉर्मूलेस देख लीजिए। जो बेसिक अलजेब्रिक फॉर्मूलेस है वो भी हमें इम्पोर्टेंट है, पर आपको पता होने चाहिए। वैसे तो आपको ये पता है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं, फिर भी जिनको कुछ पता नहीं होगा वो अच्छे तरीके से देख लीजिए। ए प्लस बी होल स्क्वेयर का जो हमारा फॉर्मूला है वो हमें कहता है ए स्क्वेयर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वेयर। सेकेंड वाला फॉर्मूला है ए माइनस बी होल स्क्वेयर ए स्क्वेयर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ओके, थर्ड जो है हमारा वो है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू इन फर्स्ट ब्रैकेट ए माइनस बी इन अनदर ब्रैकेट ए प्लस बी। फोर्थ वन ए प्लस बी होल क्यूब ए प्लस बी होल क्यूब। सबसे पहले तो हम करेंगे ये जो तो तीन फॉर्मूले वो आपको पता है, वो आपने पहले से पढ़ चुके हैं, वो आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं ज्यादातर। मगर ए प्लस बी होल क्यूब ये जो फॉर्मूले इसके बाद वो हमें ध्यान में नहीं, तो उसके लिए हम कुछ ट्रिक्स बता रहे हैं, वो आप ध्यान दीजिए। a प्लस बी होल क्यूब है तो सबसे पहले a का क्यूब बाद में b का क्यूब, मींस दैट a क्यूब प्लस सबसे पहले तो लिखेंगे 3ab प्लस 3ab और बाद में b का क्यूब। तो यहां पे लिखेंगे हम a का स्क्वायर बाद में लिखेंगे b का स्क्वायर। a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला हमें किस तरीके से ध्यान में रखना है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। पहले a का स्क्वायर बाद में b का स्क्वायर a क्यूब b क्यूब। a प्लस b होल क्यूब a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। देन a माइनस b होल क्यूब, तो फॉर्मूला क्या आएगा, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। ओके, प्लस माइनस प्लस माइनस। Then sixth one, a cube plus b cube. तो हमारा फॉर्मूला इन फर्स्ट ब्रैकेट a plus b, इन अनदर ब्रैकेट a square minus ab plus b square. अगर a cube plus b cube plus रहता है तो पहले वाले ब्रैकेट में प्लस लिखेंगे और जो दूसरा ब्रैकेट है उसमें हम माइनस लिखेंगे। यहाँ पे हमारा सेवन नंबर का फॉर्मूला जो कि a cube minus b cube, हम लास्ट वाला लिखेंगे अभी a cube minus b cube. First in bracket a minus b in another bracket a square plus ab plus b square. So guys, ये हमारे सात formulas हैं, seven formulas हैं, वो आपने अच्छे तरीके से ध्यान रखने हैं, याद करने हैं। अगर आपको याद नहीं होते होंगे तो ये videos बार बार देख लीजिए, हर एक formula कम से कम पांच बार लिखिए और आप याद कर लीजिए। अगर आप ये याद करते हैं, अच्छे तरीके से ध्यान में रखते हैं, तो ये आप हर एक problem अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, या फिर टू मार्क्स या फिर फोर मार्क्स जितने मार्क्स के लिए रहेगा वो आप ले सकते हैं। ओके गाइस, सो गाइस, इसका बाद का जो हमारा लेक्चर होने वाला है, हमारा जो क्लास होने वाला है, वो क्लास में हम प्रॉब्लम्स ऑन फंक्शन, सो फंक्शन के जो प्रॉब्लम्स है वो हम स्टार्ट करेंगे। ये तो आज हमारा पूरा बेसिक हो गया, जिसमें हमने लॉ ऑफ इंडाइसेस, रूल्स ऑफ लॉगरिथम एंड बेसिक अलजेब्रिक फॉर्मूलेस देख लिए हैं। ओके गाइस, सो हम हमारा जो नेक्स्ट वीडियो भेज रहे हैं, उसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसमें हम देखेंगे प्रॉब्लम्स ऑन फंक्शन, तो आपने वो अच्छे तरीके से देख लेना है। ये वीडियो को आपने लाइक करना है, शेयर करना है, और कुछ प्रॉब्लम होंगे तो कमेंट भी करना है। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच।